तो गाइज आज के वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो गाइज आपको क्या लगता है हमारे इंडिया में से बेस्ट रशर कौन है फ्री फायर ई स्पोर्ट में, ठीक है? आप कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपके ओपिनियन जानने मैं देखना चाहता हूँ। बंदे किसको पसंद करते हैं, कौन कौन से प्लेयर अच्छा खेलते हैं, वो सब चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए कमेंट में कमेंट कर जरूर बताना आपका ओपिनियन, ठीक है गाइज? तो चलो गाइज अब हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, बहुत, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है गाइज? और वीडियो गाइज एक दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हमारा चैनल बहुत डाउन हो गया 2-3 दिन में, बहुत डाउन हो गया। इतना डाउन चैनल हमारा कभी नहीं था, लेकिन ये पिछले 2-4 दिन में बहुत चैनल डाउन हो गया। वीडियो को एक बंदे के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है गाइज? तो चलो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज हमारा आज का सबसे पहला अपडेट है हमारे पायरेट इन्विटेशनल टूर्नामेंट के बारे में, जो कल आई हुआ अपने टोटल गेमिंग टूर्नामेंट के चैनल पे। तो गाइज उसमें हमारी टीम कुकी ने टेबल टॉप किया 69 पॉइंट के साथ। और गाइज टीम कुकी यार सच में बहुत ओपी खेल रही है, और इनकी नई टीम यार बहुत तगड़ी टीम है गाइज। उसी के साथ अपनी टीएचजी आर्मी ने भी बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया 66 पॉइंट के साथ सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर है अपनी टीजी टाइसून आई, और गाइज बाकी का पॉइंट टेबल तो आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है गाइज? तो गाइज हमारा नेक्स्ट अपडेट हमारे चिल्ड्रन डे स्पेशल क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट डे 1 के बारे में। तो उसमें गाइज हमारा टीम कुकी ने फिर से यहाँ भी टेबल टॉप किया 90 पॉइंट के साथ। सेकेंड नंबर पे अपनी 64 पॉइंट के साथ टोटल गेमिंग आई। थर्ड नंबर पे देसी गेमर आई, और गाइज यहाँ पे देख सकते हो अपनी टीम कुकी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही। और गाइज टीम कुकी का भी एक बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस वो दे रहे, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है गाइज। और उसी के साथ गाइज मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कल से संडे को, हर संडे, हर हफ्ते के हर संडे को एक स्पोर्ट टॉक शो किया जाए, जिसमें मतलब अभी देखो ये हफ्ता है, इस हफ्ते के संडे में पूरे हफ्ते में क्या हो उसके ऊपर बातचीत करेंगे सभी बंदे मिलके। तो ऐसा मैं शो करवाने की सोच रहा हूँ, जिसमें हम गाइज बातचीत करेंगे पूरे हफ्ते में स्पोर्ट में क्या हुआ, सब चीजों के ऊपर बातचीत होंगी हमारी, क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे, सब चीजें यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। तो आप बताओ गाइज इसका टाइमिंग क्या रखना चाहिए, हर संडे को एक टाइमिंग सजेस्ट करो, उसके हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है गाइज? तो आप कमेंट में टाइमिंग बता देना, उसी के साथ मैं ये शो करूँ ना करूँ ये आप कमेंट में जरूर बताना। और ये डिस्कॉर्ड पे ही होगा, क्योंकि बातचीत करना है सभी बंदों को तो डिस्कॉर्ड पे ही वो पॉसिबल है। तो डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, मैं कल की वीडियो में बता दूंगा कितने बजे ये शो होने वाला है, उधर आपको प्रेजेंट रहना है, ठीक है गाइज सभी बंदों को, ठीक है? तो उधर जरूर आ जाना, और आज ही डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिस्कॉर्ड का, ठीक है? तो गाइज हमारा नेक्स्ट अपडेट अपने रॉक की भाई की तरफ से। तो गाइज रॉक के भाई ने एक अपडेट दिया है, तो अपडेट जान लो, आपको एक वीडियो क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है गाइज ब्रेकिंग न्यूज, मैं चाहूंगा कि सारे न्यूज चैनल्स इस चीज को डेफिनेटली कवर अप जरूर कीजिएगा। मैं सारे न्यूज चैनल से दरख्वास्त करता हूँ कि इस चीज को जरूर जो है कवर अप कीजिएगा, कि हम लोग सोमवार से रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं गाइज बुया वॉर गेम्स का। बुया वॉर गेम्स जो है टेलीकास्ट होगा डॉकियन आरडीएक्स के बुया चैनल पे, वहां पे डेफिनेटली जिनको गिव अवे चाहिए उनको गिव अवे भी देंगे बुया वाले, बट मेनली इट विल बी ई स्पोर्ट्स। तो तैयारी कर लीजिए गाइज, हार्ड कोड ई स्पोर्ट्स एट यूट्यूब एंड बुया ऑन बोथ ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, गेट रेडी फॉर इट। 2400 टीमों का रजिस्ट्रेशन होने वाला है सोमवार को, आई रिपीट सोमवार को, जब ग्रैंड फिनाले कर रहे होंगे हम इस टॉप गिल्ड वॉर फेस का, तो वहां पे गाइज हम जो है रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगे 2400 टीम्स का। 2400 टीम्स विल रजिस्टर फॉर द फर्स्ट एवर बुया वॉर गेम्स, तो गेट रेडी फॉर इट गाइज। क्वार्टर फिनाले से नॉर्मल टीमों की मैचेस की कास्टिंग भी आप देख पाएंगे। तो गाइज जैसे कि अपने रॉकी भाई ने बताया अपने मंडे को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, और गाइज मेरे को लगता है डिस्कॉर्ड पे होने वाला है, ऐसा उन्होंने कुछ बताया नहीं कौन से डिस्कॉर्ड सर्वर पे होगा, लेकिन डिस्कॉर्ड पे ही होने वाला है, मैं आपको कल शायद बता दूंगा कल के वीडियो में। तो सब्सक्राइब करके रखना, मैं वीडियो डालूंगा तो कल बता दूंगा किधर रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है गाइज? और गाइज ये मेरे को अपडेट दिया अपने कुशल भाई ने, थैंक यू ब्रो मेरे को अपडेट देने के लिए। तो गाइज हमारा नेक्स्ट अपडेट अपनी डेढ़ सोल की तरफ से। तो गाइज आपको पता है बहुत दिनों से डेढ़ सोल दिखाई नहीं दे रहे थे उस मैटर के बाद, लेकिन गाइज डेढ़ सोल ने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी रखी थी, जैसे कि गाइज मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा भी रहा हूँ। तो गाइज उसमें उन्होंने जो स्नाइपर लॉर्ड की टीम इंडिया टुडे लीग में सेकंड पोजीशन पे आई थी उसकी स्टोरी लगाई थी, और गाइज कल अपने इंडिया टुडे लीग का जो टूर्नामेंट चल रहा था प्रैक्टिस गेम्स, उधर गाइज अपने डेढ़ सोल स्नाइपर लॉर्ड की टीम से खेल रहे थे, जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा रहा हूँ।
तो गाइज इसका मतलब है अभी शायद मेरे हिसाब से स्नाइपर लॉर्ड के टीम से ही अपने 150 खेलेंगे, ठीक है गाइज। और गाइज ये अपडेट मेरे को दी अपने फिनिक्स भाई ने, तो थैंक यू फिनिक्स भाई मेरे को अपडेट देने के लिए। तो गाइज हमारा नेक्स्ट अपडेट है अपने फैब इंद्रो की तरफ से। तो गाइज फैब इंद्रो को अपने लाइव स्ट्रीम पे एक बंदा पूछता है और मैं मिस्टर जे वाई टी और आपका क्या मैटर है, तो उसके ऊपर अपने फैब इंद्रो ने क्या रिप्लाई दिया आप खुद देख भाई। जे एम मॉन्ग का सीन क्या है, उनको रिप्लाई देंगे अच्छा खासा थे, मतलब मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन जब खुद से खुजली कर रहे तो मेरे को लगता है कि रिप्लाई देना ज़रूरी है, तो उनको रिप्लाई देंगे। रियलिटी क्या है वो सबके सामने लाएंगे, हवा में जो उड़ रहे हैं उसको ज़मीन पे भी लाएंगे, तो पता चलेगा रियलिटी बहुत जल्द, बहुत सारी चीज़ें सामने आएगा। गाली देना हमें भी आता है लाइव में, आके गाली देना ये सब कुछ हमें भी आता है, लेकिन वही सीन है परवरिश। तो गाइस जैसे कि अपने फैब इंद्रो ने कहा अपने मिस्टर जे वाई टी और ओल्ड मंग मतलब लाइव पे आके फालतू के गालियां दे रहे, तो उसका वो रिप्लाई देंगे। तो गाइस जिसके ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस हमारा नेक्स्ट अपडेट अपने टीम इलाइट की तरफ से। तो गाइस ज्वांटी भाई ने बताया कि वो जल्दी जल्दी Q6 प्लेयर नहीं ले रहे, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या बोला आप खुद देख लो। टीम इलाइट जो है अभी नंबर 1 टीम है इंडिया में, ठीक है, और नंबर वन टीम में कोई एक प्लेयर आएगा, समझ रहे हो, उस प्लेयर की वैल्यू पता क्या होगी, सोच रहे हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा है कि एक बंदे को उठाया और सीधा ओलंपिक खिला दिया, तो भाई एक ऐसा प्लेयर पिक करना, समझ रहे हो, ऐसा वाला सीन है। तो यार एकदम से एक बंदे को उठा के नहीं डाला जाता है, समझ रहे हो। तो गाइस जैसे कि जॉन्टी भाई ने कहा आपने सुना ही होगा, तो गाइस अपनी टीम इलाइट मतलब थोड़ा वेट करके एक अच्छा बंदा लेना चाहती है। तो गाइस अभी तो आपको शायद जल्दी तो उनका 6 प्लेयर न्यू प्लेयर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो सोच समझ कर एक अच्छा बंदा लेना चाहते हैं उनके टीम में, तो उसमें टाइम तो थोड़ा लगने वाला ही है गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में इतनी इंटरेस्टिंग अपडेट्स थी, आपको अपडेट्स थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।